नमस्कार दोस्तों, पब्लिक दिलासा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में हमेशा आपको जागरूक करने के लिए शहर के किसी न किसी प्रमुख चिकित्सक से आपकी मुलाकात करवाते हैं। उसी कड़ी के तहत आज हम हाजिर हुए हैं EMC ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में, ग्रीन एवेन्यू में, जहाँ पर हम आज आपकी मुलाकात चीफ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन गोयल जी से करवाएँगे। डॉक्टर नवीन गोयल जी ने कई जगहें अपनी जो सेवाएं प्रदान की हैं, काफ़ी जगह सेवा देने के बाद अभी वो यहाँ EMC हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। डॉक्टर साहब, प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर नवीन गोयल है। एज अ यूरोलॉजिस्ट मैं चिकित्सक EMC हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ, सेवाएँ दे रहा हूँ। मैंने अपनी MBBS बॉम्बे से की है और MS अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल अमृतसर से की है। उसके बाद मैंने अपना ब्यास हॉस्पिटल में सेवाएं दी हैं 1.5 साल, उस फिर PIMS जलंधर में सेवाएं दी हैं, फिर MCH श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिरुपति से करने के बाद मैं अपनी सेवाएं यहाँ पे EMC हॉस्पिटल में सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब अपने बारे में बताने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप एक यूरोलॉजिस्ट हैं, आप हमें बताएंगे कि यूरोलॉजी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, यूरोलॉजी बेसिकली क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं? यूरोलॉजी मेनली अपनी है ये किडनी से लेकर पेशाब जहाँ से निकलता है वहाँ पर जितना ट्रैक है उसमें जो भी बीमारी आती है, जैसे स्टोन की किडनी में हो जाए, उसकी पाइप में, ब्लैडर में, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, यूरिन लीक की प्रॉब्लम है, इसके कैंसर हो गए किडनी के, ब्लैडर के, ये सबसे प्रॉब्लम इसमें यूरोलॉजी में आती है। जो भी सर्जिकल ट्रीटमेंट पार्ट होता है हम यूरोलॉजिस्ट मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूरोलॉजी के पार्ट में आते हैं। जैसा कि आपने अभी बोला स्टोन्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में, आप मेरे को थोड़ी सी ये जानकारी देंगे लोगों के लिए कि स्टोन्स क्या होते हैं, इसके मतलब क्या प्रॉब्लम्स इससे लोग फेस करते हैं, इसके मतलब सिम्टम्स क्या हैं और किस किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? स्टोन्स एक तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जी सर, ये अपने इंडिया में अपने 10-12% जो पेशेंट्स होते हैं उनको अफेक्ट करती है जी। ये अपने जो स्टोन्स होते हैं ये काफ़ी तरह के होते हैं, कैल्शियम के हो गए, यूरिक एसिड के, काफ़ी वैरायटी होती है स्टोन्स के। मेन प्रॉब्लम जो है जो पानी कम पीते हैं, अगर हम 2 से 3 लीटर पानी नहीं पी रहे हैं तो वो स्टोन्स क्रिस्टल्स बन जाते हैं, स्टोन फॉर्मेशन पूरा चालू हो जाता है। तो सेकेंडली अपना ये होता है कि अपनी फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली में किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है तो होने के चांसेस हैं, पानी कम पी रहे हैं तो हो गए, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, जंक फूड्स हो गए, ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनको अफेक्ट करते हैं स्टोन बनाने। और ट्रीटमेंट क्या है सर इसके? तो मतलब अगर फैमिली हिस्ट्री से हैं तो उसका ट्रीटमेंट अलग रहता है, तो अगर रूटीन में है किसी को तो उसका ट्रीटमेंट अलग रहता है कोई? सबसे पहले तो अपने इसको डायग्नोस करने के लिए सिम्टम्स आते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है इसका पेन, जो अपनी ये बक्खी से चालू होकर अपना नीचे नलों तक जाता है, जिस लोकेशन पर स्टोन होता है उस हिसाब से अपने स्टोन पेन की प्रॉब्लम्स आती है। सेकेंडली अपने यूरिन में इन्फेक्शन हो गई, वॉमिटिंग हो गया, फीवर हो गया, तो ये सब सिम्टम्स अपने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट सर? इसमें ट्रीटमेंट में ये सबसे पहले तो अपना साइज पर डिपेंड करता है जी, और किस जगह पर पड़ा है उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली अपना 6 से 7 mm का जो स्टोन होता है वो अपने निकल जाता है पानी ज़्यादा पिया जाए तो। तो सर हमने सुना है कि एंडोस्कोपिक या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए भी स्टोन्स को रिमूव किया जाता है, वो किस साइज़ के स्टोन्स के लिए एंडोस्कोपिक सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और किस साइज़ के अपने आप निकल जाते हैं? जैसा कि आपने कहा 6 से 7 mm तक का अपने आप निकल जाता है यूरिन के जरिए, तो किस साइज़ में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? नॉर्मली 6 से 7 mm के तो अपने आप निकल जाते हैं, उसके ऊपर जो बड़े स्टोन होते हैं 9 mm या 9 mm से ज़्यादा होते हैं उसको ज़्यादातर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है इसमें, या फिर जो स्टोन्स 6 mm से कम भी है निकल नहीं पा रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रही है, उसको भी हमें सर्जरी के दौरान निकालना पड़ता है। मतलब कई बार जो है वो चाहे छोटे साइज़ का स्टोन हो फिर भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है कुछ केसेस में, मेडिसिन से या मतलब वो नहीं ऐसे रिमूव हो पाता।
तो ये सर, ये सारी जो आम पब्लिक है, इनको आप कोई ऐसा मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जिससे वो स्टोन से अपने आप को बचा सकें, या उनको अगर पता चल सके कि उनको स्टोन्स की प्रॉब्लम हो गई है तो उससे कैसे बचना, आप कोई प्लीज़ मैसेज दीजिए जनता के लिए। सबसे पहले जो स्टोन की सर्जरी है उसमें कोई ऐसा नहीं कि बाहर से कोई चीरा दिया जाता है जी, वो एंडोस्कोपिकली अंदर के अंदर ही निकाल दिया जाता है, पॉटर बना दिया जाता है, तोड़ कर निकाल लेते हैं, ठीक है। जो पेशाब का लिंग होता है वहीं से जाकर निकाला जाता है। और सबसे मैसेज तो यही है कि लोगों को एक तो अपनी पानी पीना चाहिए, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी, जिसके कारण यूरिन 1-1.5 लीटर आए। सोडियम कंटेंट थोड़ा कम करना चाहिए नमक का, और सेकेंडली बीपी, शुगर, हार्ट डायबिटीज़ वगैरह को कंट्रोल में रखें। और जो खाने पीने की बात है, अपनी जो लेमनेट हो गया, ऑरेंज जूस, सिट्रस फ्रूट हो गए, जो खट्टे पदार्थ हैं उनका जूस पीना इसके लिए अच्छा है, स्टोन प्रिवेंशन में काम स्टोन्स में काम आता है, ठीक है। और जो अपने पालक हो गया, बाकी चीज़ें अपने नॉन वेज हो गया, और ये नट्स हो गए, ये अपने किडनी पर लोड बढ़ाते हैं, स्टोन बनने के कारण बनते हैं। इसलिए यही है कि इनको थोड़ा सा इनका सेवन जो है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि पालक और नॉन वेज एक्सेट्रा जो वेट बढ़ाते हैं किडनी पे, उनका सेवन कम से कम करना चाहिए ताकि स्टोन्स की प्रॉब्लम ही ना हो। तो सर, जब ऑपरेशन हो जाता है, अगर सपोज एंडोस्कोपिक सर्जरी से किसी का ऑपरेशन हुआ है स्टोन्स की दिक्कत के कारण, तो वो कितने दिन में घर जा सकता है? ये एंडोस्कोपिक सर्जरी, यही ब्यूटी है कि पेशेंट को जैसे आज सर्जरी की है, दूसरे दिन घर जाकर अपना नॉर्मल रूटीन काम कर सकता है, जो वर्क कर रहा है, मतलब अपना जो भी लेबर का वर्क भी कर रहा है वो भी अपना काम कर सकता है। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल, कि मतलब उसको कोई भी किसी तरह का कोई स्टिचेस नहीं आते हैं, कोई किसी तरह का कोई कट चीरा नहीं लगाया जाता, सिंपली यूरिन के जो है वो रास्ते से वो जाके आपका कैमरा या जो भी एंडोस्कोपिक जरिए का प्रोसीजर रहता है उसे स्टोन्स को आप रिमूव कर देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्तों, आपने सुना, डॉक्टर साहब ने स्टोन्स को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें दी है, तो हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर साहब के कि डॉक्टर साहब ने इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी लोगों के लिए दी है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसी तरह हम फिर आगे चल के आपके सन्मुख लेके हाजिर होंगे किसी न किसी शहर के प्रमुख चिकित्सक को। तब तक प्यार भरी नमस्कार, धन्यवाद।